हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एचडी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टीएस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से, 2022 एडिशन, बुक 3, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चैप्टर 4, अकाउंटिंग रेशियोज। और अकाउंटिंग रेशियोज में, टर्नओवर रेशियोज में हम पढ़ेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, और इसमें हम आज पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। सो लेट अस सी द क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 93। रुपीज 1,75,000 इज द क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज नेट क्रेडिट सेल्स ऑफ एन एंटरप्राइज। इफ ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड इज रुपीज 7,000 मोर देन दैट इन द बिगिनिंग। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 93 वी विल सी। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। क्वेश्चन में हमें क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज नेट क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है। फाइन, सो लेट अस पुट द वैल्यूज हियर। It is rupees 1,75,000 divided by average trade receivables हमें पता नहीं है, जबकि trade receivables turnover ratio दिया हुआ है 8 times, so 8 is equal to 1,75,000 divided by average trade receivables, so average trade receivables is equal to 1,75,000 divided by 8, इसे उधर ले जाइए, 8 को नीचे ले आइए, and the average is rupees 21,875. Now average trade receivables is equal to opening trade receivables plus closing trade receivables divided by 2. और question में लिखा है कि trade receivables at the end is rupees 7,000 more. Fine. So हम यहाँ value put करेंगे, जब value put करेंगे तो एवरेज इज 21,875 इज इक्वल टू एंड वाला ज्यादा है, सो ओपनिंग वाला अगर एक्स है तो एंड वाला क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो एक्स प्लस 7,000 रुपीज है डिवाइडेड बाय 2। नाउ वी कैन सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया ये 43,750 इज इक्वल टू 2x प्लस 7,000। नाउ 43,750 इसको इधर ले आइए, माइनस 7,000 इज इक्वल टू रुपीज 2x, देयरफॉर x इज इक्वल टू, इसे माइनस करेंगे तो आएगा 36,750 और 2 से डिवाइड करेंगे, नाउ यू गेट रुपीज 18,375 x, मतलब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, देयरफॉर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएगा रुपीज 18,375 प्लस रुपीज 7,000, दैट इज इक्वल टू रुपीज 25,375। सो दिस इज द आंसर। Now let us see question number 94. From the following information, calculate opening and closing trade receivables if trade receivables turnover ratio is 3 times. Cash revenue from operation is 1/3 of credit revenue from operations and cost of revenue from operations is rupees 3 lakh. Gross profit is 25% of the revenue from operations. Trade receivables at the end are 3 times more. Yahan word more par dhyan dijiye. 3 times more than that of in the beginning. So let us see the solution. So solution 94, हमें पहले revenue from operations calculate करना है और इसका formula है cost of revenue from operations plus gross profit. Now in the question it is given cost of revenue from operations is rupees 3 lakh.
25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है ग्रॉस प्रॉफिट का। सो अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम एक्स लेते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट को लेना पड़ेगा 25% ऑफ एक्स, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 25% है। दिस वे फाइन, नाउ इसे ट्रांसपोज कर देंगे हम, एक्स माइनस 25 डिवाइडेड बाय 100 एक्स इज इक्वल टू ₹3 लाख। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 100x माइनस 25x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू ₹3 लाख। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 75x इज इक्वल टू 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 75 विच इज इक्वल टू ₹4 लाख। नाउ x का वैल्यू पता चल गया, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमें पता चल गया 4 लाख रुपीस का है। अब हमें पता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। फाइन, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स एंड इन द क्वेश्चन इट इज रिटन दैट कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो कैश सेल्स को अगर हम एक्स लेंगे तो क्रेडिट सेल्स को हमें 3x लेना होगा, तब तो 3x का 1/3 एक्स होगा इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज। ओके, सो एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। सो कैश सेल्स एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कैश इज दिस मच, सो क्रेडिट सेल्स कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 4 लाख माइनस 1 लाख, क्रेडिट सेल्स इज नाउ 3 लाख रुपीज। नाउ ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 times, सो 3 इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स दैट इज 3 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। नाउ एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इसे इंटरचेंज करेंगे, सो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू 3 लाख डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू ₹1 लाख। नाउ ओपनिंग और क्लोजिंग कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूला में इसे अप्लाई करेंगे, सो 1 लाख इज इक्वल टू दैट इज एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। और क्वेश्चन में कह रहा है 4th point में ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड इज 3 times मोर देन द बिगिनिंग। नाउ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग जो है वो 3 times मोर है ओपनिंग का, मतलब 3 times मोर का मतलब है 4 times ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। फाइन, 3 times नहीं कह रहा है, 3 times मोर कह रहा है, तो 3 + 1 = 4 times डिवाइडेड बाय 2। नाउ यहाँ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन, क्रॉस मल्टीप्लाई इट, इट विल 2 लाख रुपीज इज इक्वल टू 5 times ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। देयरफॉर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ₹2 लाख डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू ₹40,000। सो क्लोजिंग क्या होगा, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू 4 times ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स विच इज इक्वल टू 4 multiplied बाय ₹40,000 एंड इट इज ₹1,60,000। सो दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 95। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज कैश सेल्स ₹2 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ₹3,50,000, ग्रॉस प्रॉफिट इज ₹1,50,000, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज 3 times, कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। केस 1,
If closing trade receivables were rupees 1 lakh in excess of opening trade receivables. Case 2, if trade receivables at the end were 3 times than in the beginning. And case 3, if trade receivables at the end were 3 times more than that of in the beginning. So let us see the solution. So solution 95 we will see. Revenue from operations is equal to cost of revenue from operations plus gross profit. Fine. Ab revenue from operations hum calculate karenge. Jisme cost diya hua hai rupees 3,50,000 ka. Aur gross profit bhi diya hua hai rupees 1,50,000 ka. So, revenue from operations aa jayega 5 lakh rupees ka. ओके okay, इसमें से हम लेस कर देंगे कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस विच इज 2 लाख रुपीस हम लेस कर देंगे. टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल सेल्स में से हमने कैश सेल्स लेस कर दिया. सो अब जो बच गया 3 लाख रुपीस दिस इज क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. और क्वेश्चन में हमें ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो भी दिया हुआ है दैट इज 3 times. सो हम इस फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स. सो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज हाउ मच. एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज रुपीज 3 lakh डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू रुपीज 1 lakh. So now we will calculate opening and closing trade receivables using this formula. Average trade receivables हमने calculate किया है rupees 1 lakh का. Case 1 है, if closing trade receivables were rupees 1 lakh in excess of opening trade receivables. So applying this value in this formula, average 1 lakh is equal to closing trade receivable ज्यादा है 1 lakh rupees opening से. सो अगर हम ओपनिंग को x लेते हैं तो क्लोजिंग को हमें क्या लेना पड़ेगा x प्लस 1 lakh. ये हो गया क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2. नाउ वी कैन सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ x. x रिप्रेजेंट्स ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स. नाउ इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यह आ जाएगा 2 lakh रुपीस और ये हो जाएगा 2x प्लस 1 lakh. फाइन. फर्दर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 lakh डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू रुपीज 50,000. सो x मतलब क्या ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स. ओके दिस इज वन ऑफ द आंसर एंड देयरफॉर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू 50,000 प्लस 1 lakh. 1 lakh ज्यादा है क्लोजिंग में. And as a result, closing trade receivables is rupees 1,50,000. Now, case 2. Case 2 में हमें पता है कि क्या निकालना है. Average trade receivables is equal to opening trade receivable plus closing trade receivables divided by 2. This is the formula we are using. And हमें पता है average trade receivables 1 lakh rupees का है. Now, condition is that if trade receivables at the end means closing trade receivables were 3 times than the beginning. So agar hum opening trade receivables ko again x lete hain to closing trade receivables ko hume 3 times lena padega that is 3x divided by 2. Now solve for the value of x. It is 2 lakh rupees kyunki 2 se yaha multiply ho gaya is equal to 4x. Therefore x is equal to 2 lakh divided by 4. Which is equal to rupees 50,000. So x का मतलब क्या है opening trade receivables. So यह हमारा answer है. Okay, now closing trade receivables is equal to 3 times of x, which is equal to 3 multiplied by 50,000 rupees. So the answer is rupees 1,50,000 as closing trade receivables. Now we will solve case 3. If
trade receivables at the end were 3 times more than that of in the beginning. Now, इसका क्या मतलब है? हम इस फॉर्मूला में इसे अप्लाई करेंगे और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स 1 लाख रुपीज का है, ये हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है. इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स को अगर हम एक्स लेते हैं तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स को 3 times मोर लेना है. 3 times नहीं लेना है, 3 times मोर का मतलब हो गया ये 4 times, 3+1. फाइन. सो यही डिफरेंस है केस 2 और केस 3 में. यहाँ वर्ड मोर लिखा हुआ है, अदरवाइज बाकी की चीजें सेम है. यहाँ मोर लिखा हुआ है इसलिए हमें 3 times मोर मतलब एक्स प्लस 3 ऐसा करके 4 times लेना है, डिवाइडेड बाय 2. नाउ सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स. 2 multiplied by 1 lakh is 2 lakh is equal to 5x. Now x is equal to 2 lakh divided by 5 which is equal to rupees 40,000. So x kya hai? Opening trade receivables. Ye aapka pehla answer aa gaya. Fine. Now closing trade receivables is equal to 4x, that is equal to 4 multiplied by 40,000. It is 1,60,000. That is our closing trade receivables and this is our answer. So, मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से समझा है. इसके बावजूद भी कुछ डाउट है, then please write it in the comment section. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. And if you have not yet, then please do like it, subscribe it and share it among your friends. Thank you so much for watching this video.